इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम भूषण चौटाला जी, बात करेंगे। तो राजा साहब, बीकानेर आपका आना और राजस्थान में इन दिनों आपका आना, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से पार्टी की 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस सीकर में रैली है, उसका निमंत्रण साथियों को देने आए करते थे। साथ में हमारे परिवार के ही सदस्य कैप्टन चंद्र सिंह जी, जो कारगिल में शहीद हुए थे, आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये इंडोर हॉल हमने मिलकर बनवाया है, इसका उद्घाटन भी किया है। और मुझे खुशी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पाए जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित। अगर राजस्थान की बात करें तो कि आप एनडीए में भी साथ हैं, हरियाणा में भी साथ हैं, तो राजस्थान में क्या मानते हैं, बीजेपी के आप साथ होकर चुनाव लड़ेंगे? चर्चा कर रहे हैं, चर्चा आगे भी चलेगी। और मैं ये मानता हूँ हमारा काम संगठन की मजबूती है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार उसके उपरांत हम काम। अगर कांग्रेस की राजस्थान में गवर्नमेंट है, खेलों पर खेल से रिलेटेड लोगों को काफी प्रोत्साहन मिला है, आप भी चूंकि अभी यहाँ पर आए हैं, वो खेल वाली जगह है, क्या कहेंगे आपकी सरकार और कांग्रेस की सरकार की अगर हम बात करें तो? कांग्रेस के शासन में खेलों को कभी बढ़ोतरी नहीं मिली। आज हरियाणा में उठाकर देखो, हमने 6 करोड़ रुपया इनाम रखा हुआ, राजस्थान सरकार तो आज 50 लाख भी नहीं देती। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बीकानेर का पहला इंडोर मैंने हरियाणा से ग्रांट भेज के बनवाया। मैं तो चाहता हूँ गहलोत साहब आए, विजिट करें और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान के प्रत्येक गाँव में बनाए कि बॉक्सिंग, कबड्डी, इस तरह के खेलों को जो हमारे असलियत में इंडिजिनस गेम है, हम बढ़ोतरी दे पाए। आज उनका फोकस तो है करोड़ों रुपए इश्तिहार में खर्च करना, और उसके साथ साथ जो मैंने देखा कल नागौर गया, जिस तरह का नशे का प्रचलन नागौर में बढ़ा है चिट्टे का, तो अपने आप हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि उनको आगाबाद करने का काम कर। अगर हम बात करें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भी कई तरह के मतभेद कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर हैं। अब चूंकि बात सीटों की हो रही है, तो अब चूंकि निर्णायक मोड़ पर है, तो सीटें क्या कुछ ऐसा कुछ निर्णय हुआ है अभी तक कि आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? ये तो चर्चा का विषय है और ये बैठ के दोनों दल करें बेहतर है। तो और अगर हम बात करें अशोक गहलोत के, यहाँ पर राजस्थान में राज की बात करें, तो वो किस तरह से बर्बाद कर दिया आज माफिया, चाहे माइनिंग का हो, पेपर लीक का हो, बजरी का हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हो, चाहे गैंगिज्म की बात हो, राजस्थान बर्बादी की। रंधावा जी का एक बड़ा बयान आया कि परिवारवाद को बढ़ावा ना दिया जाए, खास तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस का मैटर है वो जवाब। तो ये थे दुष्यंत चौटाला, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि परिवारवाद जरूर कांग्रेस का मैटर है। और अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेलों को राजस्थान में कोई खास बढ़ावा नहीं मिला है, खेलों को बढ़ावा मिलता है हरियाणा में। के सिंह, न्यूज इंडिया।